ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू। द nth टर्म ऑफ ए जेपी इज 128 एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज द 225। इफ इट इज कॉमन रेशियो इज टू, देन फर्स्ट टर्म इज व्हाट? इसमें दिक्कत क्या हुआ? सर, सेकंड क्वेश्चन डाउट नहीं है सर, मैंने वो सिर्फ इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 लिखा था। अच्छा, ओके। वही बोल रहा हूँ, ये क्यों डाउट होगा। तो फिफ्थ वन, इफ द सम ऑफ इन्फिनिटली डिक्रीजिंग जीपी इज 3, मतलब एस इन्फिनिटी गिवन 3। डिक्रीजिंग जीपी मतलब क्या हुआ? आपका आर लाइज इन बिटवीन, एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अदरवाइज एस इन्फिनिटी तो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 9/2, मतलब ए ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इट इज गिवन 3, वेयर एज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर रेज टू 4, इट इज गिवन 9/2। देन सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स टर्म, मतलब ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर रेस टू 6, ये पूछ रहा है, इज व्हाट? इसका फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन 1 माइनस आर। इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, यस सर। बराबर। फर्स्ट वन गिवन, सेकंड वन गिवन, थर्ड वन पूछ रहा है। तो एक काम करो, जस्ट फाइंड आउट 1 स्क्वायर अपॉन 2, 2 वन स्क्वायर अपॉन टू कर दो, सो दैट आपका ए स्क्वायर कैंसिल होगा। वन स्क्वायर मतलब यू विल गेट ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय टू। टू मतलब ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आर इनटू 1 माइनस आर, इट इज 9 अपॉन 9/2, सॉरी, हाँ 9/2। ए स्क्वायर कैंसल्ड, 1 माइनस आर ऑल्सो कैंसल्ड, देन यू हैव 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, इट इज 2, 2 मीन्स 2/1। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो आर का वैल्यू कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस आर इक्वल टू 2 माइनस 2 आर, आर इक्वल टू 1/3। आर की जगह 1/3 डाल दो, आपके पास ए अपॉन 1 माइनस आर, इट इज गिवन 3/2, दैट मीन्स ए अपॉन 1 माइनस आर मतलब 2/3 इक्वल टू 3/2, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1। ए मिल चुका है, आर भी मिल चुका है, मुझे ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब चाहिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/27, तो 27/26 आंसर। समझाइए।
सर बट आंसर की में ऑप्शन बी दिया हुआ है. क्या दिया गया आंसर? सर आपने 3/2 लिया हुआ है, 3 है वो. ए हां सर, वो 3 है. ये 3 है. कौन सा? ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 ना सर, आपने 3/2 लिया है. ये हां ओके ओके ओके. तो ये हो जाएगा कितना होगा, 3 होगा तो 1 2 आ जाएगा. ये का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब मतलब 8 अपॉन दिस वन मतलब इनटू 8 होगा तो यू विल गेट 50 सॉरी 2 कैंसिल्ड 4 लेफ्ट 80 108/13 अब बराबर. यस सर. सिक्स सेवन नाइन टू ट्वेल्व ओके. If the sum of first two terms of an infinite GP is 1, matlab a plus a are given 1, and every term is twice the sum of its successive terms. Okay. Every term with the twice of its successive terms. ठीक चलेगा. Then a का वैल्यू पूछ रहा है. तो सीरीज आप ले लो a, a r square ऐसे. Every term आप लिख सकते हो t1 with the two times of t2 plus t3 plus t4 and so on. Am I right or not? Yes, sir. Yes, that sir. Means a equal to, you can write ar plus ar square plus ar cube and so on. तो आप चाहो तो ए कैंसिल कर दो बोथ दी साइड्स, नहीं तो आप जीपी डाल दो. ये भी जीपी में रहा, इसका फर्स्ट टर्म क्या रहा, ए आर, कॉमन रेशियो क्या रहा, आर, फर्स्ट टर्म ए आर. तो ए जीपी का सम कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए के जगह ए आर. Understood? So A cancelled. So 3 R equal to 1. R equal to 1/3. Ab R ka value 1/3 isme dal do. So A into 4/3 equal to 1. So A equal to 3/4. तो इसमें क्यों दिक्कत था? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया. समझाइए कि नहीं. समझा सर. Find the least value of n for which ये भी इजी क्वेश्चन है ना. आपका 1 plus 3 plus 3 square and so on up to
थ्री रेस टू एन माइनस वन ग्रेटर देन 1000। आपका एन का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? एन टर्म्स। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए द वन ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन अपन वन माइनस आर, that implies 3 raised to n minus 1 greater than 2000. So 3 to the power n greater than 2001. Barabar? Yes, sir. Ab 3 ka kaun sa least power 2001 se bada hoga? That you have to check. 1. 3 to the power 7. 7. 3 power 7 kitna aa raha hai? 2187. तो लिस्ट वैल्यू हो जाएगा एन इक्वल टू 7। सो एन की वैल्यू से वेट एंड ट्रायल से ही आएगी? हाँ, इनइक्वालिटी है ना। ओके सर, आपका इक्वालिटी नहीं है ना। इक्वलिटी में कुछ आप मतलब मेथड होता है, इनइक्वलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 216 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स इज द 156 देन द ग्रेटेस्ट टर्म। इसमें क्या हुआ, थ्री टर्म्स दिया गया तो ले लो ए बाय आर, ले लो ए रखो ए आर रखो, इनका प्रोडक्ट दिया गया 216, दैट मींस ए क्यूब इक्वल टू 216, ए हो जाएगा 6 वैल्यू हो गया, आपको मिडिल टर्म मिल गया। तो ये हो जाएगा 6, ये 6 इनटू आर और ये हो गया 6 अपॉन आर। अब बोल रहा कि द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन इन पेयर वाइज, मतलब एक दो ये तीनों समेशन ऑफ ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? तो जो कोई भी दो को मल्टीप्लाई करोगे 36 तो कॉमन आएगा, सब में 36 होगा। तो 36 में कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा 1 बाय आर, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा आर इज इक्वल टू 156। राइट, देन क्या पूछा था, ग्रेटेस्ट आर मतलब 6 इंटू आर का वैल्यू पूछ रहेगा, आर का दो वैल्यूज आपको मिलेगा, टू वैल्यूज विल गेट आर। अच्छा 36 कैंसिल होगा 156 के साथ, 9 4 कैंसिल करेंगे तो 356 सॉरी 36, 39 फिर 3 कैंसिल होगा ना, तो आपको क्या मिला, आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 3 इक्वल टू 13 आर, दैट मीन्स 3 आर स्क्वायर प्लस नो माइनस 10 आर प्लस 3
इक्वल टू जीरो मल्टीप्लीकेशन नाइन सम इज द टेन आर थ्री वन बाय थ्री थ्री आर माइनस वन इंटू आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू वन बाय थ्री होगा नहीं तो थ्री होगा ठीक है तो हम ग्रेटेस्ट के लिए आर की जगह हम थ्री डालेंगे तो ये ग्रेटेस्ट होगा नहीं वन बाय थ्री डालोगे तो ये ग्रेटेस्ट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ एलिमेंट्स उल्टा हो जाएगा ये सिक्स होगा ये एटीन होगा ये होगा टू व्हेन यू टेक आर इज इक्वल टू थ्री जब वन बाय थ्री रखोगे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू एटीन था क्या लेट एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स लेट समेशन ऑफ ए टू एन वेर एन इक्वल टू वन से लेके हंड्रेड इट इज गिवन अल्फा summation of a to n minus 1 n is equal to 1 se leke 100 it is given beta so that ye kuch nahi alpha beta kuch hona chahiye then common ratio puch raha hai wo kuch aisa kuch nahi find the common ratio आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे सीक्वेंस रहेगा सीक्वेंस आपका दिया है ना ए एन इज द nth टर्म ऑफ जीपी तो सीक्वेंस आपका रहेगा ऐसे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसे सीक्वेंस रहेगा ये जीपी दिया रहा है तो लेट कंसीडर दिस वन आज ए ये आपका ए आर ये आपका ए आर स्क्वायर ये आपका ए आर क्यूब ऐसे चल रहा है अब क्या करो जस्ट फाइंड आउट समेशन ऑफ ए टू एन इसका मतलब क्या होगा ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स एंड सो ऑन अप टू ए टू हंड्रेड ओके ए टू इक्वल टू ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर एस टू फाइव अप टू ए आर एस टू 199 समेशन ऑफ ए टू एन माइनस वन एन इज इक्वल टू 1 to 100 इसका मतलब ये होगा ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव ए सेवन अप टू एट 199 तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एस टू फोर एंड सो ऑन अप टू ए आर एस टू 198 अब इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कर दो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन वन से आप आर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एस टू फोर एंड सो ऑन अप टू ए आर एस टू 198 सेकेंड इटसेल्फ वही टर्म जो ब्रैकेट टर्म है तो दिस टू कैंसिल It is actually alpha upon beta. That implies your R equal to alpha upon beta.
थोड़ा आइडिया लगाओगे तो हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन में इतना डाउट क्यों रहता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी इज वन एंड एवरी टर्म ऑफ इट्स सीरीज ट्वाइस द प्रीवियस टर्म एंड देन द फर्स्ट टर्म। सर ये क्वेश्चन मैंने ही डाउट दिया था बट वो सॉल्व हो गया सर। अच्छा ठीक है। एबीसी आर इन एपी मॉड ए मॉड बी मॉड सी लेस देन वन एंड एक्स गिवन, ये भी इजी क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स गिवन वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सम ऑफ इंफिनिटी जीपी, तो क्या होगा? ए अपॉन वन माइनस आर, आर मतलब ए, वाई हो जाएगा वन अपॉन वन, हाँ जेड होगा वन अपॉन वन माइनस सी। एबीसी आर इन एपी दिया गया, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्या होगा? इफ एबीसी आर इन एपी देन माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्या होगा? एपी में होगा। प्लस वन कर देंगे तो ईच एंड एवरी टर्म में मैंने प्लस वन कर दिया, वो भी एपी रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एचपी में आ जाएगा। दैट मींस एक्स वाई जेड आर इन एचपी। एनीथिंग एल्स? सर बस एक क्वेश्चन फोर डाउट था। ABC फॉर में GP ऑफ कॉमन रेशियो R फॉर R 0 टू 1 इफ A टू B 3C फॉर मान AP देन R का वैल्यू ABC R इन GP, तो मैं B को AR ले रहा हूं, C को AR स्क्वायर ले रहा हूं एंड R दिया गया कि 0 से लेके 1 तक है ना, एंड ए टू बी थ्री सी आर इन एपी इंप्लाइज व्हाट? ए प्लस थ्री सी इक्वल टू फोर बी, रिप्लेस कर दो थ्री सी, थ्री सी मतलब थ्री ए आर स्क्वायर इक्वल टू फोर बी, फोर ए आर, तो ए कैंसल्ड, दैट मीन्स थ्री आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन थ्री आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन इक्वल जीरो, देन आर इक्वल टू वन बाय थ्री होगा, नहीं तो वन होगा बट वन आंसर नहीं होगा क्योंकि आर दिया गया जीरो टू वन के अंदर, तो आर इक्वल टू वन बाय थ्री। तो ये सब क्वेश्चन क्यों ये हो रहा है? इतने इजी क्वेश्चन है। पार्डन प्लीज।
इलेवेंथ का फिर क्या प्रॉब्लम होगा? द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सब तो पूछ लिए। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ ए जीपी इज वन, ए प्लस ए आर इक्वल टू वन, एंड एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब टी एन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी एन माइनस वन। व्हाट इज योर टी एन फॉर्मूला? ए आर एस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू टू ए आर एस टू एन माइनस टू, कैंसल, एक आर कैंसल, आर आर टू दी पर एन माइनस टू कैंसल हो जाएगा, देन आर इक्वल टू टू, आर भी मिल गया, आर की जगह टू डाल दो तो थ्री ए इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन बाय थ्री, ए भी मिला आर भी मिला, क्या पूछ रहे? देन फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होगा, वही तो आ चुका है। मतलब मैं कन्विंसिंग नहीं हो पा रहा, मतलब क्या आपका दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना क्या है? ना फोर्थ डिफिकल्ट था ना इलेवेंथ डिफिकल्ट था, ठीक है ट्वेल्थ वन चलेगा, टेंथ चलेगा, नाइन्थ भी डिफिकल्ट नहीं था, सेवेंथ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिक्स्थ वन समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, अब फिफ्थ भी हो जाना चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, इफ A1, A2, A3 and so on are in HP, then 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on are in HP. अच्छा तो कोई भी आपको एचपी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इमीडिएट इसको एपी में कन्वर्ट करोगे, कैसे? बाय टेकिंग देयर रेसिप्रोकल और वाइस वर्सा, एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है, एचपी का रेसिप्रोकल एपी होता है। देन व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एचपी? वन अपॉन a plus n minus 1 into d, nth term of tn of ap, जो ap आप convert किए ना उसका tn nth term निकालो, उसका reciprocal कर दो, जो what you said a plus n minus 1 into d actually वो correct नहीं है, इसी हिसाब से ये जो ap दिया गया उसी हिसाब से उसका nth term निकालो, वो ठीक है, मतलब a plus, उसी हिसाब से a plus n minus 1 into d। You got my point? Yes, sir. Suppose apa 2, 5, 8, 11 they are in AP. ठीक है? तो 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, 1 by 11
आर इन एच पी होगा, ठीक है। तो आपको सपोज टी हंड्रेड ऑफ एपी पूछ रहा है, एच पी पूछ रहा है, तो क्या करोगे, पहले टी हंड्रेड ऑफ एपी निकालोगे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट टी हंड्रेड ऑफ एपी विच इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हुआ 299। तो आपका टी हंड्रेड ऑफ एच पी क्या हो जाएगा, 1/299। पहले एपी कन्वर्ट करोगे, एपी का एनएथ टर्म निकालोगे, देन इट्स रेसिप्रोकल अपॉन, समझा। हाउ टू फाइंड आउट एस एन ऑफ एच पी, वन अपॉन एस एन ऑफ एपी। अच्छा, ये आपका एपी, ये आपका एचपी, ये तीनों का सम कितना होता है, 15। ये तीनों का सम क्या 1/15 होगा? नहीं सर, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअल टर्म के लिए ठीक है, SN of HP तो 1/SN of AP ऐसा नहीं होता है, नो सच फॉर्मूला। एचपी का SN फॉर्मूला कोई नहीं है। हाँ, आपके पास चार पांच टर्म एचपी का मिला, उसका सम पूछ रहा है, यू कैन इंडिविजुअली एड इट, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 20 + 8, 28 + 5, 33। इट इज नॉट व्हाट 1/15, ऐसा नहीं होता है। तो एसएन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ टीएन होता है, ठीक है। तो आप लास्ट पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन और एनीथिंग मतलब सो ऑन आर इन एचपी देन दे आर रेसिप्रोकल आर इन एपी। एपी का रेसिप्रोकल ले लो वो एचपी हो जाएगा, एचपी का रेसिप्रोकल ले लो एपी हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड आउट एनथ टर्म ऑफ एचपी, nth term of HP is the 1/nth term of AP. आप कोई भी HP sequence दिया जाएगा, first you need to convert AP sequence by taking their reciprocal. Reciprocal ले लो, you'll get AP series. AP series का nth term निकालो, फिर उसका reciprocal ले लो, you'll get nth term of HP. ठीक है? SN के लिए ऐसा नहीं होता है कि 1/SN of AP. क्योंकि ये तीनों का सम, ये तीनों का सम का रेसिप्रोकल नहीं होता है। दैट्स व्हाई SN ऑफ HP इज नॉट इक्वल टू 1/SN of AP। सर ऐसा नहीं लिख सकते SN के लिए, ये समेशन ऑफ A1 A2 अपॉन A1 मतलब समेशन ऑफ A1 A2 अपॉन जितने भी प्रोडक्ट्स है सबका, जितने भी टर्म्स है, जैसे जो उनका प्रोडक्ट जैसे 258 है, तो समेशन ऑफ 5 एंड 2 अपॉन 2 * 5 * 8 summation of okay मतलब 2 × 5 / 258, ये तीन टर्म के लिए, चार के लिए होगा तो फिर चार कर लेंगे ना, चार के लिए होगा तो नहीं मतलब फिर नीचे चार टर्म, ऊपर तीन तीन टर्म होगा, पांच टर्म रखेंगे तो ऊपर चार चार टर्म होगा, ऊपर चार, ओके सर। हाँ तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं, आप इंडिविजुअल टर्म निकाल के मतलब 5-10 टर्म आप ऐड कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट इशू, बट कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। नाउ नोट, इफ एबीसी आर इन एचपी then B is called harmonic mean,
then B is called हार्मोनिक. ठीक है, तो V का वैल्यू कैसे मिलेगा? B का वैल्यू कैसे होगा? कैसे मिला? 1/A, 1/B, 1/C are in what? H. AP. 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 तो इसका डबल हो जाएगा 1/A + 1/C. तो 2/B हो जाएगा 1/A + 1/C. ठीक है, तो B क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो B by 2 हो जाएगा 1/1/A + 1/C. तो B आ जाएगा 2/1/A + 1/C. ये एक्चुअल रियल फॉर्मूला ये है, 2/1/A + 1/C. और B यू कैन राइट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज पर्टिकुलर 2AC/A+C. ये A+C/AC ऊपर चला जाएगा 2AC/A+C. ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में अब सपोज A1, A2, A3 and so on up to AN बिलोंग्स टू R प्लस, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? M क्या होता है? इसका M क्या होता है? A1 + A2 + A3 up to AN upon N. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? A1 into A2 into A3 and so on up to AN. Power 1 by N. हार्मोनिक मीन क्या होगा? 1/N upon 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 and so on up to 1/N. देखो दो के लिए क्या मिला? 2/1/A1 + 1/A2 ऐसे, तो N के लिए ऐसे मिलेगा. मतलब क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल करके मीन रखो, इसका रेसिप्रोकल का मीन रख के फिर रेसिप्रोकल करो. समझे कि नहीं? इसका रेसिप्रोकल का मीन करोगे, इसका रेसिप्रोकल का मीन क्या हो जाएगा? 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 up to + 1/AN. फिर इसका मीन करो, रेसिप्रोकल का मीन इतना मिला, फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो एन ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो इसलिए मैंने बोला ये मोर इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस. ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट. तीन के लिए क्या करेंगे? 3/1/A + 1/B + 1/C. 3 टर्म. 4 टर्म के लिए 4/1/A + 1/B + 1/C + 1/D. लाइक दैट. अंडरस्टूड? यस सर. नोट डन, ऊपर नोट कर दिया.
डन यस सर डन If AB belongs to R plus, what is the M? A plus B by 2. GM. Root AB. HM kya mila? Harmonic mean kya mila? Do. Yeh mila na? इधर क्या लिखा था मैंने b is equal to 2ac upon a plus c मतलब a and c का हार्मोनिक मीन ऑफ a and c 2ac upon a plus c तो हार्मोनिक मीन ऑफ a and b 2ab upon a plus b बराबर यस सर तो इसमें कुछ आप देख सकते हो am into hm क्या हो रहा है AB GM square GM square is GM का square means you can write A AM GM HM are in what GP As AM into HM equal to GM square, if ABC are in GP, then A into C equal to B square. So A into C equal to B square means ABC are in GP. ठीक है? You know, कोई भी GP, positive GP में, आपका GP इधर increasing order में होगा, नहीं तो decreasing order में होगा. आपका GP क्या होगा? इधर आपका r मोर देन 1 होगा तो बढ़ता जाएगा नहीं r लार्ज इन बिटवीन 0 टू 1 होगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा आपका gp कैसे फॉर्मेट में रहता है a ar ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन ये तो सबके लिए फिक्स है तो r इफ r मोर देन 1 तो आपको क्या मिलता है a लेस देन ar लेस देन ar स्क्वायर लेस देन ar क्यूब less than AR raised to 4 तो इसको बोलते हैं increasing GP ठीक है नहीं R lies in between 0 to 1 if R lies in between 0 to 1 तो क्या होगा A more than AR हो जाएगा more than AR square होगा more than AR cube होगा इसको बोलते हैं decreasing GP तो कोई भी पॉजिटिव जीपी आपका इधर इंक्रीजिंग होता है नहीं तो डिक्रीजिंग होता है बट जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना वो जिगजैग में चलता है मतलब वो बढ़ जाएगा फिर कम हो जाता है ऐसा होता है क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव होता है इफ आर नेगेटिव होता है तो क्या होता है सपोज ये पॉजिटिव ये फिर नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसा चलता रहेगा तो इसमें आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड नहीं कर पाते हो बट व्हेनेवर पॉजिटिव जीपी रहेगा तो आपका आइदर इंक्रीजिंग होगा नहीं तो डिक्रीजिंग होगा ऐसा जिगजैग नहीं होगा मतलब बढ़ेगा कम होगा ऐसा नहीं होता है ठीक है तो ये जो जीपी कौन सा जीपी होगा अब बताइए ये जो जीपी आपका कौन सा जीपी होगा इंक्रीजिंग जीपी होगा कि डिक्रीजिंग जीपी होगा कोई भी जीपी पॉजिटिव जीपी इधर इंक्रीजिंग होता है नहीं तो डिक्रीजिंग होता है आप मुझे बताइए ये यहाँ पे जो जीपी मिला ये जीपी इंक्रीजिंग करेगा कि डिक्रीजिंग करेगा क्या है इधर हमारा जीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा कौन सा ऑर्डर में होगा बताइए डिक्रीजिंग क्यों
इंक्रीजिंग को ही बोल रहे तो क्यों सर? बोलो डिक्रीजिंग होगा ना, क्योंकि एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है। बिल्कुल, आज एएम ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके, एएम ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जीएम, दैट इंप्लाइज आपका एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होगा। दैट्स व्हाई यहां पे जो जीपी आ रहा है दैट जीपी इज योर डिक्रीजिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। ए एंड बी पॉजिटिव टर्म्स देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम हो चुका है, तो डेफिनेट यहाँ पे एम ग्रेटर देन इक्वल जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होगा। समझा? एम इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम कब होगा? ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। सर ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझा। इंक्रीजिंग एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन, हाँ बताओ क्या हुआ सर? मुझे जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम वाला पार्ट नहीं समझा। आप ये समझा, आपका कोई भी पॉजिटिव जीपी इधर इंक्रीजिंग होगा नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। यस सर, एम तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ना, मोर देन जीएम। यस सर, लेस देन एचएम तो हो नहीं पाएगा। इफ इट इज लेस देन तो जिगजैग में चला गया ना, ये बड़ा हुआ ये छोटा हो गया फिर ये बड़े हो गया, तो ये तो जीपी में फिट नहीं आएगा। ओके सर, तो इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जीपी रहता है ना दो तरीके से होता है, आपका वैल्यू आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा, नहीं तो वैल्यू आहिस्ता 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 कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी, बट ग्राफ नहीं होता है, मैं ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ। आपका एलिमेंट्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे 2, 4, 8, 16 ये आपका वैल्यू बढ़ रहा है ये जीपी, बट 1, 1/3, 1/9, 1/27 ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। Yes, sir. एक बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा, 2 less than 4 less than 8 less than 16 इधर 1 more than 1/3 more than 1/9 more than 1/27 तो कोई भी जीपी में आपका जो साइन ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब लेस होगा तो पूरा लेस में चलता रहेगा, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर each and every term फिर greater होता जाएगा, next term से greater होता जाएगा। तो already हम prove कर चुके ना AM greater than GM, तो आपके पास अभी दो option है, GM more than HM नहीं तो less than equal to HM, but ये case हो नहीं पाएगा, तो ये ही होगा, क्योंकि AM GM HM are in GP ना, हम already yes, prove कर चुके ना AM GM HM आर इन जीपी। AM जब GM yes. से बड़ा हो गया तो GM HM से बड़ा होना चाहिए तब जाके जीपी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। Understood? Yes sir. हाँ. Yes sir. तो always AM greater than equal to GM greater than equal to HM होता है, and this जो जीपी बना वो decreasing जीपी हुआ। AM equal to GM equal to HM होगा if A is equal to B। देखो A equal to B होगा तो AM आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। GM क्या होगा? वो भी A होगा। HM क्या होगा? 2A square upon 2A, वो भी A होगा। तो if A equal to B then AM equal to GM equal to HM, otherwise if A is not equal to B तो आपका AM strictly more than GM strictly more than HM। आप चाहो तो कोई एग्जांपल ले सकते हो, कोई दो पॉजिटिव वैल्यू बताओ। 4, 6 4, 6 व्हाट इज द एम?
जीएम रूट 24, रूट 24 मतलब 4 रूट 6, नो 2 रूट 6, एचएम एचएम होगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, है ना? चेक करो, यस, ये कितना हो गया? 24 टू ये आपका 10, तो 24 अपॉन 5, इसका वैल्यू 4.8, इसका वैल्यू चेक करो, इसका भी सर 4.8 से बड़ा रहेगा ना, लेकिन 5 से कम हो रहा है कि नहीं? रूट 6 का वैल्यू कितना? सर 4.9 आ रहा है उसका। हाँ जो भी है 4.9, हाँ ठीक है, 4.8, हाँ 4.9 होगा, तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बराबर, यस सर। और यहाँ पे ये जो मैंने केसेस बनाया एम जीएम एच एम आर इन जीपी डॉट सैटिस्फाई ओनली फॉर टू वैल्यूज, सपोज ए बी सी थ्री बिलोंग्स टू पॉजिटिव डियल नंबर, व्हाट इज द एम? ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री, यस सर। व्हाट इज योर जीएम? ए बी सी टू दी पर वन बाय थ्री, वन बाय थ्री। व्हाट इज द एच एम? थ्री अपॉन अपॉन वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, इसमें आपको मिल जाएगा थ्री ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यस सर। Here AM into HM is not equal to GM square. क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा ना, इसका स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। What I said AM into HM equal to GM square, that only for two terms. Two terms. Yes. Not for more than two terms. But what I said, AM greater than equal to GM greater than equal to HM, it is applicable for any number of terms. This one applicable for any number of terms. ठीक है, ये पार्ट को अच्छे से समझ ये करो. What I said, AM into HM equal to GM or AM, GM, HM are in GP. That is only for two terms. But AM greater than equal to GM greater than equal to HM for any number of terms. जैसे कि एक केस रखो और तीन टर्म का बताओ कुछ, जैसे वन एंड 232 ले रहा हूं, बराबर तीन टर्म ले रहा हूं, 1 2 32, व्हाट इज योर एम? 34/3, नो 35/3, व्हाट इज योर जीएम? 64^1/3, है ना? Yes sir. 64 to the power 1/3. That is 4. What is HM? 3 upon 1 plus 1/2 plus 1/32. चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये 3 into 32 upon 32 plus 16, 48 plus 1, 49. Am I right? ये 32 होगा, ये 16 होगा, 48 plus 1, 49, बराबर।
कितना हुआ 64 अपॉन 49। आप चेक कर सकते हो व्हाट इज, ये आपका मिला 11.66 और ये आपका कितना मिला, लेस देन 2 मिला। तो क्लियरली एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट आपको ऐसा नहीं मिल रहा है एएम इनटू एचएम इक्वल टू जीएम स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एएम इनटू एचएम इक्वल टू जीएम स्क्वायर ओनली फॉर टू टर्म्स, नॉट फॉर ऑन एनी अदर, बट ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा एनी नंबर ऑफ टर्म्स। सर 364 होगा ना, 3 into 64 कौन सा, होगा सर नीचे भी 98 था, आपने 2 कैंसिल कर दिया। नीचे क्या था एचएम, HM 3 into 64 क्यों होगा? अच्छा हाँ समझाइए। तो फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स योर एम ग्रेटर देन equal to GM greater than equal to HM. Equality case satisfy only when terms are equal. Okay. AM more than equal to GM more than equal to HM. Equality case satisfy equality. Satisfy only when each and every terms are equal. तब जाके equality आएगा, otherwise AM strictly more than GM strictly more than HM. कोई भी एक भी term unequal रहा तो strictly more than ऐसा रहेगा। डन, यस सर डन।
फाइंड आउट
डन सर, 5 मिनट्स फर्स्ट टर्न मिला आपको? यस सर। सबको? यस सर। यस सर। सर। हम्म? यस सर मिला। सेकंड मिला? यस सर। सेकंड किसको चाहिए? हाँ सर एक बार कर दो। ठीक है। थर्ड मिला? यस सर। नहीं सर। फोर्थ? नो सर। नहीं। फिफ्थ? अमन तुझे एक्स ln ऑफ एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर मिला कि ln ऑफ एक्स माइनस जेड स्क्वायर मिला? क्या मिला न्यूमरेटर? सर टू, आंसर टू है। हाँ तो ये मिला होगा ना? हाँ सर टू है, आंसर टू है। हाँ, टू इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सर फर्स्ट वाला भी कर। फर्स्ट वाला भी? सर। चलो फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन एच पी, एक्स ग्रेटर देन जेड, इसलिए दिया गया कि ये नेगेटिव ना हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
ln of x plus z plus ln of x minus 2y plus z upon this one. When x, y, z are in HP, तो आपका रिजल्ट क्या मिलता है? Y क्या हो जाता है? ये आपके पास एक रिजल्ट है. Y is equal to 2xz upon x plus z. अब ठीक है, तो ln of x minus 2y plus z ये आप क्या लिख सकते हो? 2y की जगह क्या लिख सकते हो? x plus z minus 2y. 2y you can write 4xz upon x plus z. ठीक है, which is ln, ये क्या हो जाएगा? x plus z का whole square minus 4xz. कितना होता है? x minus z का whole square upon x plus z. That you can write ln of x minus z whole square minus ln of x plus z, which is 2 ln of x minus z minus ln of x plus z. Am I right? What is ln a square? 2 ln a. गलत है. mod ln a plus ln a. क्या क्या ln a plus ln a 2 ln a नहीं होता है क्या? बोलो. तो ln ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर डालूंगा तो क्या होगा? 2 ln माइनस 2 होगा. सर 2 ln स्क्वायर होगा. क्या होगा? 2 ln mod a. हां सर 2 ln mod a. 2 ln mod a. 2 ln a नहीं होता है. ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे 2 ln x minus z इसलिए हो गया, एक्चुअली मॉड होना चाहिए, बट ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन क्योंकि x greater than z, तो मॉडुलस लेने के बाद वो x minus z आ जाएगा. ठीक है, एनीहो, तो ये रिजल्ट को आप यूज कर सकते हो न्यूमरेटर में. तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? अब जो गिवन क्वेश्चन है ln of x plus z plus ln of x माइनस 2y प्लस जेड अपॉन ln ऑफ x माइनस जेड क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. हाँ सर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और 2 टाइम्स ऑफ ये बचा 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x माइनस जेड अपॉन ln ऑफ x माइनस जेड. बराबर, टू इज द राइट आंसर. इफ थ्री पॉजिटिव टर्म्स डिस्टिंक्ट एबीसी आर इन एचपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर. If a, b, c are in HP, then मुझे क्या प्रूफ करना है? a square plus c square to b square.
if a b c are in sp then b is called harmonic mean. So a square and c square ये दो पॉजिटिव टर्म्स ले रहा हूं तो इसका एम क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट एस सी नहीं एस सी ओके तो आज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एसी तो खाली ग्रेटर देन होगा ना क्योंकि डिस्टिंक्ट है डिस्टिंक्ट है तो टू एसी होगा ये अरिथमेटिक मीन ये आपका ज्योमेट्रिक मीन आपका एम ग्रेटर देन जीएम होता है ग्रेटर देन एचएम होता है ठीक है तो क्या लिखेंगे ए एंड सी एसी का ए एंड सी का जीएम क्या होता है रूट एस सी ग्रेटर देन बी होगा यस और नो आई एम यूजिंग दिस थिंग यस ए एंड सी बिलोंग टू आर प्लस तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट एस सी ए एंड सी का हार्मोनिक मीन क्या है बी इफ ए बी सी आर इन एच पी देन बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन तो मैं यूज कर रहा हूं GM greater than HM implies root AC greater than B. तो AC क्या हो जाएगा? Greater than B square. अब 2 को 1 में यूज कर दो. That implies A square plus C square greater than 2AC greater than 2B square. Using 2. हो गया प्रूफ कि नहीं समझा कि नहीं नहीं समझा नहीं एबीसी व्हेन एबीसी आर इन एचपी देन बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ये राइट यस सर And A and C are distinct. As A and C are distinct positive real number, so you can use AM greater than GM greater than HM. Brother? Yes, sir. अच्छा ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तो आई एम यूजिंग दिस थिंग जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट एस सी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ए एंड सी का हार्मोनिक मीन क्या है बी बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ व्हाट ए एंड सी ए सी का हार्मोनिक मीन तो एस सी का हार्मोनिक मीन की जगह मैंने बी डाल दिया तो रूट एस सी ग्रेटर देन बी इंप्लाइज एस सी ग्रेटर देन बी स्क्वायर ये मेरे पास एक रिजल्ट मिला नाउ कम टू दिस पार्ट नाउ कम टू ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर
both belongs to R plus. Now use AM greater than equal to GM. तो एम क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय टू ग्रेटर देन इसका ज्योमेट्रिक मीन रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ऐसे ही मिलेगा ठीक है। और आप ये भी यूज करना चाहते हो कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन टू ए सी ए भी होगा। अब ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं ए सी ग्रेटर देन बी स्क्वायर तो ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर इसको यूज करते तो प्रूफ हो गया ना दैट इंप्लाइज व्हाट ये इससे बड़ा है दैट मींस फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड सेकंड ग्रेटर देन थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट वन ग्रेटर देन थर्ड होगा दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर समझा कि नहीं यस सर थर्ड वन सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एच पी इज 26 एंड देयर रेसिप्रोकल इज 3/8 लेट ए बी सी आर इन एच पी क्वेश्चन दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 26 एंड देयर रेसिप्रोकल सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/8 तो 1/a, 1/b, 1/c पहले क्या होगा एपी में आ जाएगा एंड देयर सम 1/a + 1/b + 1/c इट इज गिवन 3/8 आज a 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी देन ये दोनों का सम कितना होता है 1/a + 1/c कितना हो जाता है मिडल का डबल होता है ना इफ ए बी सी आर इन ए पी तो ए प्लस सी क्या होता है टू बी आज 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी देन 1/a + 1/c इसका डबल हो जाएगा तो 1/a + 1/c यू कैन राइट 2/b + 1/b इक्वल टू 3/8 दैट मींस 3/b इक्वल टू 3/8 तो b इज इक्वल टू 8 b का वैल्यू मिल गया ठीक है। अच्छा आज ए बी सी आर इन एच पी देन b इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन b इज इक्वल टू 2ac/a + c राइट तो आपका ए प्लस सी कितना हो रहा है बी तो ऑलरेडी 8 मिल चुका है तो ए प्लस सी कितना हुआ 18 तो 8 इक्वल टू 2ac/18 तो ए इंटू सी कितना मिला 18 × 4 = 72 ए प्लस सी 18 ए सी 72 दो अननोन दो इक्वेशन 12 और 6 तो ए हो जाएगा 12 सी हो जाएगा 6 एंड बी हो जाएगा 8 और 6 12 8 तो आपका सीक्वेंस ऐसे रहेगा 6 8 12 और 12 8 6 सर आपको 12 और 6 कहाँ से मिला क्वाड्रेटिक बनाओगे आप इधर से मिला मैंने तो ऐसे मार्क कर दिया a प्लस इक्वल टू 18 a c इक्वल टू 72 तो कोई एक को एलिमिनेट कर दो ओके ओके सर टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टू इक्वेशन टू अननोन तो आप तो सिंपलीफाई कर सकते हो ना यस सर समझ गया दैट इंप्लाइज a 12 होगा तो सी सिक्स होगा नहीं तो वाइस वर्सा आपको दो इसको क्वाड्रेटिक मिला ये करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा a-12 into a-6 = 0
तो a इक्वल टू सिक्स होगा तो c 12 हो जाएगा, नहीं तो वाइस वर्सा ऐसे में। बराबर कि नहीं? यस सर। क्वाड्रेटिक बना दो एक एलिमेंट ये, बट दिखाई दे रहा है 72 12 into 6 12 plus 6 दिखाई दे रहा है, नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक बनाओगे तो c को एलिमिनेट कर दो क्वाड्रेटिक ऑफ a मिलेगा आपको, ये मिल जाता है। नहीं a को एलिमिनेट करोगे क्वाड्रेटिक ऑफ c मिलेगा, तो आपको भी a फैक्टर मिलता है। नेक्स्ट ए बी सी डी आर इन एच पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी आर इन एच पी देन वन बाई ए वन बाय बी। आपको इमीडिएट रेसिप्रोकल लेके एपी लिखना पड़ेगा क्योंकि एचपी में आप इट इज डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई। ठीक है तो आज दिस फोर टर्म्स आर इन एपी, तो कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ रहेगा। लेट अस टेक कॉमन डिफरेंस को मैं एक्स ले रहा हूं, इसका मतलब आपका वन बाय बी माइनस वन बाय ए इक्वल टू एक्स होगा। इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू एक्स इंटू ए बी, मतलब a माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल टू ए बी। सिमिलरली ये दोनों का डिफरेंस भी x होगा, यू विल गेट b माइनस सी अपॉन एक्स इक्वल टू बी सी। ये दोनों का डिफरेंस भी x होगा, तो यू कैन राइट c माइनस डी अपॉन एक्स इक्वल टू सी डी। तो जो मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है और डिनोमिनेटर में ए डी चाहिए। अच्छा ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3x 1 बाय डी माइनस 1 बाय ए इक्वल टू 3x। तो आपको क्या मिल जाएगा? ए माइनस डी अपॉन 3x इक्वल टू 80। जो आपको न्यूमरेटर में चाहिए था वो मैंने ये तीनों का ऐड कर देंगे तो यू विल गेट न्यूमरेटर। इफ यू एडेड दिस तो आपको क्या चाहिए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन ए डी। वही रेस्पेक्ट में मैं सब कुछ निकाला, तो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी बाई एक्स, बी माइनस सी बाई एक्स, सी माइनस डी अपॉन एक्स अपॉन a माइनस डी अपॉन थ्री एक्स। तो एलसीएम में x हो जाएगा, तो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी सब कैंसिल होगा, b कैंसिल होगा, c कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा? a माइनस डी अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ a माइनस डी, नो x x कैंसिल होगा, फिर a माइनस डी भी कैंसिल हो गया तो थ्री। आप एचपी में ट्राई करोगे करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप एपी कन्वर्ट करो फिर एपी का फॉर्मूला हिसाब से आप करो मिलेगा। समझाइए। यस सर। फर्स्ट वन क्या था? फाइंड टू नंबर्स इन बिटवीन 1 बाय 16 टू 1 बाय 6 so that first three are in GP, last three are in HP. One by 16, one by 6. In between three numbers are there. Three or two? Three. First three are in find two numbers, first three GP, last three HP. Let A and B.
तो 1/16 ए बी आर इन जीपी एंड लास्ट थ्री आर इन एच पी. तो क्या करोगे? तो ए को आप क्या लिख सकते हो? 1/16 इंटू आर लिख सकते हो. बी को क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर बाय 16. नाउ आर बाय 16, आर स्क्वायर बाय 16 एंड 1/6 आर इन एचपी. ठीक है. इफ दिस थ्री आर इन एचपी देन बी इज 2ac अपॉन ए प्लस सी. देन यू कैन राइट if abc are in hp then b equal to 2ac upon a plus c. use this thing. So r square upon 16 equal to 2ac upon a plus c, right? R by 16 cancelled. कितना बचा? आर लेफ्ट. ओके, तो इधर क्या बचा? दैट आर इक्वल टू ए 1/3. अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? नहीं, 2/6 रखो इंटू 16 इंटू 6 अपॉन 6 आर प्लस 16 बराबर. Am I right? Cancel. अब को कैंसिल करोगे तो 16 अपॉन 3R प्लस 8. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3R स्क्वायर प्लस 8R माइनस 16 बिकम 0. मल्टीप्लीकेशन 48 सम इज द 8. कैसे होगा? 12 and 4. That implies 3R square plus 12R minus 4R minus 16 equal to 0. So you will get R plus 4 into 3R minus 4 equal to 0. तो आर हो गया माइनस फोर और एक आर हो गया 4/3. तो पॉजिटिव था ना कुछ? था हाँ सर, 1/16 और 1/6 के बीच में होना चाहिए, तो माइनस फोर नहीं होगा. माइनस नहीं होगा, आर के साथ ये जा नहीं पाओगे. तो आर यू हैव टू टेक दिस वन. आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? आर बाय 16, 4/3/16 कितना हो गया? 4/3/16 होगा तो 1/12. 1/16 मतलब 1/9. मिल गया? समझाइए, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें. एनीथिंग डाउट इसमें कुछ है? नो सर. ओके, तो असाइनमेंट टू इज योर होमवर्क. राइट, असाइनमेंट टू इज योर. Can I stop? Sir, मैंने क्वेश्चन वन बिना आर निकाले. हाँ चलेगा. आंसर बराबर आना चाहिए. आंसर नहीं आ रहा तो फिर बताओ. नहीं सर, आंसर आ रहा. हाँ ठीक है. Can I stop?
मेरा अभी क्लास भी है नेक्स्ट सर या असाइनमेंट टू सैटरडे से पहले करना है असाइनमेंट टू सैटरडे से पहले करना है हाँ ओके सर सैटरडे से पहले क्या असाइनमेंट टू करना है आपको और एक क्लास है ना सैटरडे में हाँ सर है हाँ 15 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर